सो है गाइस, व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पिक्सआर्ट से कुछ इस तरह की रिपब्लिक डे फोटो एडिटिंग। और गाइस, आप लोगों को पता ही होगा कि रिपब्लिक डे बहुत ही जल्द आने वाला है। तो गाइस, अगर आपको भी सीखना है इस तरह की फोटो एडिटिंग, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। इस वीडियो में मैंने जो भी बैकग्राउंड पेन यूज़ किया, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो चलिए, ज्यादा टाइम लेते विदाउट एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले पिक्सआर्ट में इस बैकग्राउंड को ओपन करने देने चलने हैं। ऐड फोटो में यहाँ से आपको अपने मॉडल का कटआउट लेना है, और जिनको भी मॉडल का कटआउट लेना नहीं आता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो का लिंक दे, वहाँ से चेकआउट कर लेना एंड यहाँ से ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद सिंपली इसको इस तरह से जूम करेंगे, एंड जूम करने के बाद इसको मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट करता हूँ, एंड यहाँ से राइट कर देंगे क्लिक, एंड उसके बाद आपको रिनेट फोटो पर चलना है। एंड आपको एक फ्लाइंग फ्लैग का जो स्क्रीन है इसको इस तरह से इस फुल स्क्रीन में ऐड कर लेना है, जिन उसकी ओपेसिटी को 92 तक रखेंगे। एंड उसके बाद यहाँ से भी राइट पर कर लेंगे क्लिक, एंड उसके बाद आपको रिनेट फोटो पर चलना है। ये वाला जो फ्लैग का पेंजी इसको लेना है, जब यहाँ क्लिक करना है, डुप्लीकेट कर देना है, एंड इसको साइड में रखते हैं हम। ये दो वाला पेंजी है इसको लेंगे, एंड इसकी ओपेसिटी को हम कम रखेंगे, कुछ इस तरह से इसको ऐड करेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और करने के बाद सिंपली यहाँ से चलना है पेज में, यहाँ से इन्वर्ट करना है, एंड इसको हमें सिर्फ अपने जो क्लॉथ है, यानी कि शर्ट टी शर्ट जो भी आप पहने हो उस पर तरह से पेंट करना है इसको। तो गाइस, मैं इसको पॉज करके कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी से कर लेना अच्छे से टाइम देकर। तो गाइस, यहाँ पे मैंने कर लिया, देन साइड पे क्लिक करेंगे, एंड इसकी ओपेसिटी को रखेंगे 88 तक, एंड यहाँ से सिंपली चलेंगे ब्लेंड मोड में, एंड इसको ब्लेंड मोड रखते हैं हम। तो गाइस, मुझे ये डार्क नहीं ठीक लग रहा है, एंड यहाँ पे टैप करेंगे, एंड जो सेकंड पिन जो हमने लिया था उसको लेंगे, इसकी भी ओपेसिटी को डाउन करेंगे, एंड इसको अपने गॉगल पे कुछ इस तरह से ऐड करते हैं। सो कुछ जस्ट इस तरह से, एंड यहाँ से चलेंगे, यहाँ भी इन्वर्ट करते हैं, एंड इसको अपने गॉगल पर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से राइट पे क्लिक करेंगे, इसका भी एक डुप्लीकेट लेंगे, और इस डुप्लीकेट को अपने जो सेकंड गॉगल है इस पर कुछ इस तरह से ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद अगेन रिजल्ट निकलते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट जो भी है सबको रिमूव कर देते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ से करेंगे डन, एंड इसकी ओपेसिटी को करेंगे 80 तक, एंड जो सेकंड पिन की इसकी भी ओपेसिटी 80 तक रखते हैं, एंड यहाँ से राइट पर करेंगे क्लिक, एंड अगेन एड फोटो में चलना है। आपको ये वाला पीएनजी लेना है, एंड इसको इस तरह से ऐड करके डाउन करना है, एंड इसकी भी ओपेसिटी को 80 तक, एंड यहाँ से करेंगे डन, एंड उसके बाद आपको अगेन एड फोटो में चलना है। और आपको ये सेकंड और लास्ट पेंजी लेना है, तो सबसे पहले इसको साइड रखेंगे, एंड इसको लेंगे और इसका ब्लेंड मोड यहाँ से चेंज कर देंगे स्क्रीन, एंड इसको फुल स्क्रीन करेंगे, यहाँ नीचे कुछ इस तरह से ऐड कर देंगे, और इसकी ओपेसिटी को हम रखेंगे 90 तक, एंड जो सेकंड पेंजी था रिपब्लिक डे का, इसको टॉप में ऐड कर देंगे, एंड यहाँ से कर लेंगे राइट पे क्लिक। तो गाइस, पिक्सआर्ट में हमारी एडिटिंग हुई कंप्लीट। सिंपली चलेंगे ड्रॉ टूल में, एंड यहाँ से इसको कर लेंगे सेव, देन गाइस सिंपली उस पिक को कर लाइटरूम में ओपन, एंड सबसे पहले हर बार की तरह चलेंगे लाइट में, एंड यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे 8 तक, एंड हाईलाइट को डाउन, और शैडो को थोड़ा सा अप करेंगे, वाइट को डाउन, ब्लैक को भी डाउन, एंड यहाँ पे थोड़ा एक्सपोजर को ऐड करते हैं, तो इतना काफ़ी है। यहाँ से वाइब कलर वाइट करेंगे, एंड यहाँ से इसका वाइब्रेंस इंक्रीज करेंगे, तो इसको 30 तक, एंड यहाँ से सेचुरेशन को -4 तक रखते हैं, एंड मिक्स टूल में आना है, एंड यहाँ से आपको ऑरेंज में आना है, तो ऑरेंज का जो लुमिनस है आपको सिंपली
कर देना है। और यहाँ से जो सिचुएशन है गाइस, इसको हम प्लस की ओर रख देते हैं थोड़ा सा और इसको इंक्रीज, देन सिंपली यहाँ से येल्लो लेंगे तो येल्लो का जो सिचुएशन है इसको हम इससे इंक्रीज कर देंगे और जो इसका यू है इसको डाउन, यहाँ से इसका विंडो भी डाउन एंड ग्रीन का जो यू है सॉरी सिचुएशन इसको इंक्रीज एंड यू को डाउन एंड लुमिनस को भी डाउन एंड सिंपली यहाँ से ब्लू का सिचुएशन इंक्रीज पर्पल का यू डाउन एंड यहाँ से डन इफेक्ट में आएंगे। यहाँ से विग्नेट को ऐड करेंगे, सॉरी विग्नेट कुछ ज़्यादा ही हो गया तो इसको इतना रखते हैं। डी एच को इंक्रीज, क्लियरिटी को इंक्रीज एंड जो टेक्स्चर है इसको भी इंक्रीज करेंगे क्योंकि टेक्स्चर बिल्कुल नहीं लग रहा है हमारे फेस पे। एंड यहाँ से ग्रीन को भी इंक्रीज एंड यहाँ डिटेल में आएंगे, शार्पनिंग ऐड करेंगे, नॉइज रिडक्शन को इंक्रीज करेंगे और कलर नॉइज रिडक्शन को। तो बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी अच्छी कलर ग्रेडिंग होगी यहाँ से कर देंगे इसको। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर देना ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहे।